हेलो दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब बहुत सही होंगे। आज एक स्पेशल दिन है, क्या होने वाला है मैडम बताइए? सर घूमने जा रहे हैं। सर घूमने जा रहे हैं, और शायद मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम है कि मैं इतना लंबा ट्रेवल कर रहा हूँ वो घूमने के लिए। तो आज मैं जा रहा हूँ चेन्नई, तो ये जो पूरा सफर है ये मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, और मुझे उम्मीद है बहुत अच्छा और बहुत लाजवाब ये सफर रहेगा। और कियान का चेहरा देख के मेरे को सच में बड़ा डर लग रहा है। आज ये सुबह से पापा करे जा रहा है, और मुझे लग रहा है कि सच में ये शायद रह ना पाए। कियान पापा राम राम, ये तो राम राम कर रहा है। तो मैं अभी पैकिंग वगैरह कर चुका हूँ और मैंने नाश्ता कर लिया है। अभी टैक्सी जस्ट मेरी आने वाली है, मैं अभी फोन करता हूँ उन्हें। कितने डांस करो बाबू, अरे डांस कर रहा है, डांस कर रहा है, ये डांस कर रहा है, इसको देख के ये वाला डांस। आए 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 आए। और अभी कियान को अभी वो नहीं है, ये आप क्या कर रहे हो, थूक रहे हो ताकि वो याद ना करे? हाँ, बट ऐसा होता नहीं है। क्या अब पैकिंग हो गई है सर की? अब सर निकल रहे हैं, तो सर सोचते हैं कि कियान उससे पहले रोकना शुरू करे, मैं जितना हो सके घूम लूं। चलो चलो चलो। ये रोएगा अब जब बाहर जाओगे ना, जब आप ये बैग मत भूलना। ठीक है, ये मानसी जी का बैग है, के सर्दियों के कपड़े हैं। सुबह सुबह आंटी जी बस स्टैंड पर मुझे देख रही हैं। इसमें लड्डू भी हैं। इसमें लड्डू भी है और बिस्किट भी है, हम जाएंगे रास्ते में। कियान मेरी गोदी से उतर के पापा की गोदी में गया है। थोड़ा एहसास तो हो गया है कियान को कि मेरे को नहीं लेके जाने वाले, मेरे को बाय कर दो कि नहीं। बाय कर दो मम्मी। देखो कितनी जल्दी किया है। इसको कियान को मेरे को दे दो, लाओ। Yeah, I'm about to fade away. कियान बाय, बाय बेटा। ओके बाय बाय। तो दोस्तों अभी आ गए हैं, हम निकल चुके हैं यहाँ घर से। भाई साहब क्या नाम है आपका? सर्वेश कुमार। सर्वेश, तो सर्वेश जी कहाँ से हैं भैया आप? मैं यूपी ढाबा से। यूपी से। तो ये हमारा पहला टोल आ गया सांपला का। तो अभी हमने लगभग एक चौथाई रास्ता कवर कर लिया है। नमस्कार जी, नमस्कार। दे दो 5-10 रुपए खुले, मैं पकड़ा दूंगा बाद में। तो दोस्तों 12 बजे का समय हो चुका है और हम सही टाइम से निकल गए थे। अब हम दिल्ली में एंटर कर चुके हैं। हम नजफगढ़ की तरफ से जा रहे हैं, और नजफगढ़ द्वारका वहां से सीधा रास्ता पड़ता है, और दिल्ली का ट्रैफिक स्टार्ट हो चुका है यहां पे। तो NCR में चलाते हैं आसपास। NCR ऑल इंडिया है। तो आउट ऑफ स्टेशन कितना दूर गए हो आप? काफी दूर, जयपुर हो गया, चंडीगढ़ हो गया, देहरादून, ये आगरा, लखनऊ, कानपुर। तो घुमाई भी हो जाती है साथ साथ। नहीं तो यहाँ हम रुके हैं CNG डलवाने के लिए। अभी गाड़ी में CNG डलेगा। बड़ी अच्छी लोकेशन है ये, द्वारका में है पेट्रोल पंप इंडियन ऑयल का। ये हमारी टैक्सी, नंबर देख लो कहीं मैं गुम ना हो जाऊँ। Out of your way, I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need to... तो ठीक है सर्वेश जी, थैंक यू, ठीक है। तो दोस्तों फाइनली पहुंच गए हैं हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, और यहां से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है। थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, मौसम भी खराब हो रहा है, तो जल्दी से भागते हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो जगह है ये आप देख सकते हैं, AC लाउंज है एक्चुअली ये, और ये अगर आप देखेंगे पूरा भरा हुआ है, फुली हाउसफुल। तो एज आई थॉट कि थोड़ा सा रिलीफ हमें मिल जाएगा, वेट करेंगे, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर सिर्फ बैठने का आपका इंतज़ाम है। हाँ ये है कि यहाँ पर गर्मी नहीं है, AC लगा हुआ है। तो यहाँ इस सीट पे पिछले 2 घंटे से मैं बिल्कुल यहीं पे बैठा हूँ, बिल्कुल नहीं हिला हूँ, और गाड़ी में भी बैठ कर आया था टैक्सी में, फिर यहाँ पर भी बैठना हो गया। जैसे ही ट्रेन मिलेगी ना भैया, मैं तो पसरने वाला हूँ पूरी तरीके से। तो हमारी ट्रेन है 12616, वो शायद खड़ी है प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे, फिर भी कंफर्म कर लेते हैं एक बार यहाँ से। यहाँ से मुझे मेरी ट्रेन दिखाई दे रही है, मैं आप लोगों को भी दिखा देता हूँ, वो देखिए।
ये मेरी ट्रेन खड़ी है, प्लेटफॉर्म नंबर 4 है, और अब मैं निकलता हूँ मेरी ट्रेन के लिए। ये हमारी ट्रेन है और फॉर्चुनेटली मैं इस डब्बे में जाऊँगा जो कि फर्स्ट एसी वाला है। सो लेट मी शो यू अराउंड। यहाँ से हम एंटर करते हैं। ये हमारे बढ़िया से भैया कहते हैं एसी मैकेनिक दिस गाड़ी। ओह दैट्स ग्रेट, गुड टू नो यू। ये कंपार्टमेंट्स हैं फर्स्ट एसी के, लेकिन मेरा सेकंड एसी में है तो आई कैन पुश। हाँ जी वन है शायद, हाँ ये नीचे वाला। सो फाइनली गाइस द ट्रेन हैज स्टार्टेड मूविंग, और अभी जैसा कि आप देख रहे हैं बाहर, देखते हैं मे बी इट विल बी अ गुड एंड नाइस जर्नी। सो लेट्स सी अबाउट द एक्सपीरियंस। और पानी की बोतल लेना मैं भूल गया था जल्दबाजी में। हालांकि मुझे ये था कि ट्रेन चलेगी 4:25 पे, लेकिन फॉर्चुनेटली मैं टाइम से पहुंच गया और 4:10 पर जो बोर्डिंग टाइम था वही ट्रेन का डिपार्चर टाइम था। तो आई गॉट कन्फ्यूज्ड अ लिटिल, क्योंकि बहुत टाइम बाद मैं ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूँ, और ट्रेन में होता ही है कि आप कभी भी अकेले सफ़र नहीं करते। तो देखिए मेरे साथ जो सफ़र कर रहे हैं, ये एक फैमिली हैं, चेन्नई से हैं, और ये अभी दिल्ली से शॉपिंग करके निकल रहे हैं। मैम बहुत अच्छा कुक करती हैं, इनका भी यूट्यूब चैनल है कुक ईजी ABC, एम आई राइट? यही है आपका। तो दोस्तों जैसा आप देख सकते हैं कुक ईजी एज ABC, तो मैं तो फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ उस तरफ। आपको लगता है मेरे को पसंद आएगा उस तरफ का इलाका? चलिए तो मैं इन सब की ना सलाह मानूंगा और देखते हैं अब सफ़र शायद थोड़ा सा सही गुजरेगा, लंबा सफ़र है। तो दोस्तों अभी अभी मैंने फर्स्ट टाइम लाइफ में एक डिनर किया है, ये सिटायर 2 का, और अभी जो ये खाना आया है इसमें मटर पनीर की जो सब्जी थी, तो मैंने एक साल में इतना नमक नहीं खाया जितना इसमें डाल दिया उन्होंने। तो मैंने सब्जी छोड़ी दी, खा ही नहीं पाया, और रात को वैसे चावल कम खाता हूँ तो वो भी नहीं खा पाया। मैं दिखाता हूँ आपको क्या हाल किया इन्होंने, और रेटिंग कहीं देने का अगर ऑप्शन मिला तो मैं -5 रेटिंग देना चाहूँगा इन्हें। और अभी अगर वो मिल गया तो चिल्ला के पूछूंगा भाई नमक की मुट्ठी मुंह में ही मार जाता, इससे अच्छा तो खिलाने की क्या जरूरत थी। ऐसे ये है वो मटर पनीर की सब्जी जो आप देख रहे हैं ना पूरी, बस पनीर के तो 3 टुकड़े थे इसमें, वो मैंने खा लिए। अब ये पूरा नमक बचा हुआ है लिक्विड फॉर्म में। और ये देखो इस बेबी ने भी खाना नहीं खाया, ये कह रहे नहीं खाना। भैया भाई साहब इतना नमक मेरे मुंह में भर गया, लग रहा है मैंने जिंदगी में आज तक खाया नहीं था, नमक ही खाया है पूरा। ये देखो बच्चा नमक खा के कैसे रोने लग गया। मन तो मेरा भी अंदर से ऐसे ही रो रहा है, लेकिन क्या करें।